हुजूर, मेरा सवाल कैप्टन साहब के हिसाब से कुछ बिता देता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मुकामी और इसको जरा ऊंचा कर लें। मुकामी आपका जी, दोबारा कहें आप पहली बात शायद की सुनी। वो मैंने अर्ज ये किया था कि कैप्टन साहब ने जो सकाफत की बात छेड़ी जी, थी जी। तो मेरा सवाल भी उसी सिलसिले में है कि मुकामी और सकाफती और तफरीही प्रोग्राम जो हैं, इनसे इस्तेफादा इस्लामी माशरे में कैसे किया जा सकता है। इसका एक जवाब तो कुरान शरीफ ने दे दिया है पहले से ही, मेरा ख्याल है वही आपको दे देता हूँ। ला तसलू अनशायन इन तुब्दलकुम तसोकुम। इतने कसरत से फजूल सवाल ना किया करो कि अगर उनका जवाब दिया जाए तो फिर तुम तंगी महसूस करो। तो छोटी छोटी बातें जो हैं उनके दायरे में मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं। जब पूछा जाएगा तो जवाब दिया जाएगा, जब जवाब दिया जाएगा तो निस्बतन अदना तो नहीं कहना चाहिए मगर इब्तदाई लोग जब भी उस मरतबे को हासिल नहीं कर सके कि इस किस्म की लतीफ़ पाबंदियाँ भी बर्दाश्त कर सकें, उनके लिए तकलीफ का मूजब हो जाता है। जो तकवा के आला मुकाम पे वो खुद ब खुद रफ्ता रफ्ता इन चीज़ों से सिमटता जाता है। और इल्ला लमम के सिवा कभी इत्तफाकन कोई ऐसा मौका पेश आ गया तो शामिल हो गया जो जिसमें वो गहरा का असर कबूल नहीं करता। तो इसलिए ऐसा सवाल ही ना करें। अन अशिया है या नशिया, अशिया होना चाहिए। मैं इनके लिए मुझे ख्याल है कि नहीं गलत है ये। ला तसलू अन अशिया इन तुब्दलकुम तसोकुम, ठीक है।